हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी गार्डन टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज संडे है, तो आज संडे को मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाऊंगी कि विंटर्स में कौन से फ्लावर्स खिले हुए हैं और गार्डन में कैसी रौनक आई हुई है आज, तो वो सब दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अपने गार्डन की रौनक। देखिए फ्रेंड्स, ये मिनियंस का प्लांटर मैंने आपके साथ बनाना शेयर किया था, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं पीछे। इसमें मैंने स्वीट एलाइजम का प्लांट लगाया हुआ है और एक ये प्लांटर मैंने भी बनाया था, इसमें मैंने मजेंटा कलर का हिबिस्कस का प्लांट लगाया है। ये मैं भी नर्सरी से लेके आई, ये मैं 50 रुपीज़ का लेके आई थी। और ये मिनियंस में मैंने बीज डाल दिए थे एलाइजम के, जब लग जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए गोदावरी का, ये लास्ट ईयर का मेरा प्लांट है, ये सेकेंड टाइम फ्लावरिंग कर रहा है। और ये केल का, केल के बाद ये स्पाइडर प्लांट, और ये देखिए पिटूनिया का वाइट कलर भी मैंने अभी लगाया है कुछ दिन पहले, इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और एक ये देखिए, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था प्लांटर बनाना, और ये भी देखिए पिछले साल का ही है, ये सारे गोदावरी के मेरे लास्ट ईयर के ही हैं, तो इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। इसी की मैंने कटिंग लगा और शेयर और बढ़ा लिए थे प्लांट्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने न्यू प्लांट ऐड किया है पेंसिल कैक्टस का, और ये देखिए ये भी लास्ट ईयर का ही है गोदावरी का, इसमें भी कितना प्यारा कलर आया हुआ है। और ये देखिए एक ये लेमन कलर का लेके आई थी पिटूनिया का, ये फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिला नर्सरी पर। और ये देखिए ये रेड कलर का डेंथस का है, और अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है इसमें भी। और एक ये है डेंथस का, ये दो हैं और एक ये हाइब्रिड का था मेरे पास पहले। और ये देखिए ये बटन रोज में भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए बिगोनिया के ये दो कलर ये हैं, और दो मैंने अलग लगाए हैं मिक्स करके, ये वर्बिना के हैं। और इसमें भी देखिए देसी गुलाब में भी अच्छे से कलियाँ आ रही हैं, और इसमें देखिए इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है विंका में भी सदाबहार में। और बोगनविलिया देखिए वाइट कलर का कितना अच्छा लग रहा है। और एक ये देखिए ये पीच कलर का है, ये ऐसे गुच्छे में आता है, ये भी बोगनविला है, ये हाइब्रिड का है शायद। और ये देखिए ये भी अच्छे से चल रहा है फ्लावरिंग अच्छे सब में। और देखिए फ्रेंड्स, ये टिकोमा में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, इसमें गर्मियों में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है, पर शायद यहाँ पे बहुत तेज़ धूप रहती है इस वजह से अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये हिबिस्कस का देखिए पिंक कलर का फ्लावर, इसमें तो एक दो फ्लावर्स तो रोज़ खिले जाते हैं। और ये देखिए वर्बिना का कलर कितना प्यारा लग रहा है, और ये पेंजी का स्टॉक का, और ये देखिए लेमन कलर का गेंदे का फ्लावर, बहुत ही प्यारा कलर है, ये वाइटिश लेमन कलर है। और ये देखिए वर्बिना में भी अच्छे से कलियाँ आ रही हैं, और गेंदे का तो मैंने पहले अभी शॉर्ट्स में डाला था, तो बहुत ही अच्छे हुए हुए हैं गेंदे के तो मेरे घर पे। और ये कॉक्सकॉम का भी लास्ट ईयर का ही है, इसी के बीज गिर गए थे और काफ़ी प्लांट्स तैयार हो गए थे। और देखिए ये हाइब्रिड विंका का फ्लावर्स हैं, और ये बिगोनिया के दो और कलर हैं, रेड और पिंक कलर, ये पिंक कलर की ग्रीन लीव्स हैं और एक दूसरी कलर की लीव्स आती हैं। और ये देखिए येलो कलर का हिबिस्कस का प्लांट, ये तो छोटे से प्लांटर में ही लगा हुआ है और इसमें काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं, देखिए ये ब्लैक पॉट में ही लगा हुआ था। और ये देखिए गजनिया में भी कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए ये मैंने इसमें कलांचे की कटिंग लगा दी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी अपराजिता में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, पर्पल वाले भी अच्छा अच्छा खिल रहा है, ब्लू कलर वाला और वाइट कलर वाला भी, इसमें भी एक दो फ्लावर्स आते ही रहते हैं। वही बात है, यहाँ पे शायद धूप तेज़ है तो इस वजह से यहाँ पे अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है गर्मियों के प्लांट्स की भी। और देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाब का मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी वीडियो कि जो गुलाब में अगर आपको ऐसे फ्लावर्स पाने हैं ऐसे गुच्छे में और बड़े बड़े फ्लावर्स पाने हैं, तो जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने शेयर किया था अपने एक वीडियो में, पूरी रोज़ के ऊपर ही बनाई थी। तो आप भी अगर ऐसा अब भी करेंगे तो भी आपके अच्छे से फ्लावर्स आएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा गार्डन का ओवरव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा गार्डन तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।